यह ताइवान के नए राष्ट्रपति विलियम लाई चिनते, और इनके पदभार संभालते ही चीन ताइवान का टकराव अब और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। चीन ने दो दिन के युद्ध अभ्यास के बाद ताइवान को एक नई धमकी दे दी है। बीजिंग से ऑर्डर निकला है कि जो भी ताइवान की आजादी की बात करेगा उसका सिर फोड़ दिया जाएगा। चीन ने यह ऐलान किया है कि ताइवान से युद्ध हुआ तो सिर्फ खून बहेगा। चीन की धमकी के बीच अब ताइवान फ्रंट पर अमेरिका एक्शन में आ गया है, और सुपर पावर अमेरिका का सातवां जंगी बेड़ा इस वॉर जोन में हर वक्त मुस्तैद रहता है। चीन ने खोपड़ी तोड़ युद्ध का ऐलान किया। ड्रैगन की यलगार नहीं, बचेंगे ताइवान के मददगार। 49 जेट, 19 बैटलशिप, कब्जे का पूरा ब्लूप्रिंट। घेर लो, लॉक करो, चीन का वॉर कोड ली। क्या ताइवान को पूरा निगल जाएगा ड्रैगन? चीन ने जंगी जेट उड़ाकर आसमानी युद्ध का माहौल बना दिया है। ड्रैगन की रॉकेट फोर्स ने मिसाइल की बौछार कर ताइवान को दहला दिया है। समंदर में चाइनीज नेवी के बैटल शिप विध्वंसक धूम धड़ाके कर चुकी हैं। शी जिनपिंग की रेड आर्मी ने हाईटेक हथियारों का ट्रेलर पूरी दुनिया को दिखा दिया है। ताइवान को चारों तरफ से घेर कर ड्रैगन दादागिरी जमा रहा है। ताइवान के समुद्री सीमा में घुसपैठ कर चाइनीज नेवी युद्ध के लिए उकसा रही है, लेकिन ये टकराव यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि चीन आर पार के मूड में है। बीजिंग से कमांड मिली है कि ताइवान का वजूद पूरी तरह से मिटा दिया जाए। ताइवान की पहचान चीन की तानाशाही हुकूमत को बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि जब से ताइवान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति विलियम लाई ने पद संभाला है, तब से ड्रैगन भड़का हुआ है। विलियम लाई को चीन अपना दुश्मन नंबर वन मान रहा है, जिनके सत्ता में रहते ताइवान पर चीन के कब्जे का ख्वाब पूरा होता नहीं दिख रहा। इसलिए 20 मई के बाद से चीन युद्ध के लिए फड़फड़ा रहा है, साथ ही ताइवान का साथ देने वाले देशों की खोपड़ी तोड़ देने की धौंस जमा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग ताइवान के चारों ओर चीनी सैन्य अभ्यास को गंभीर चेतावनी बताने के साथ ही यह धमकी दी है कि चीन जब ताइवान को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेगा तो ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वालों के सिर तोड़ दिए जाएंगे। इस युद्ध में चारों तरफ सिर्फ खून बहेगा। चीन की यह धमकी सीधे तौर पर अमेरिका को दी गई मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिका ही ताइवान के पीछे डटकर खड़ा है। अमेरिका लंबे वक्त से ताइवान की हर तरह से मदद करता आ रहा है। हथियार और सैन्य प्रशिक्षण के साथ अमेरिका दक्षिण चीन सागर में एक दीवार की तरह ताइवान की सुरक्षा भी करता रहता है। चीन से जब भी खतरा बढ़ता है, अमेरिका ब्लू बैटल ग्राउंड में अपने जंगी बेड़े उतार देता है। साल 2022 में सुपर पावर ने चीन के भारी विरोध के बावजूद ताइवान में तत्कालीन अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी को भेजा था। तब आसमान में जंगी जेटों का जो प्रदर्शन हुआ उसे देख पूरी दुनिया सहम गई थी। नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट के दौरान अमेरिका ने अरबों डॉलर के नए हथियारों की डील भी की थी। अमेरिका से मिले जंगी जेट और मिसाइलों के बाद ताइवान ने अपने हवाई क्षेत्र में होने वाली हर घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया था। ताइवान के पास अमेरिका से मिले कई ऐसे घातक हथियार हैं जिनसे चीन थर्राता है, मगर ताइवान को वक्त वक्त पर तबाह कर देने का सिग्नल भी देता रहता है। ये ताजा युद्ध अभ्यास उसी कड़ी का हिस्सा है। वॉर ड्रिल के बाद चीन की सेना और सरकार एक सुर में ताइवान के मददगारों को धमकी दे रही है। 只要党中央、中央军委和习主席一声令下，我们随时做好战斗准备，坚决消灭一切台独分裂势力。 ताइवान के नए राष्ट्रपति से चीन बेहद खफा है। असल में उन्होंने शपथ ग्रहण के भाषण में चीन को चीन कह दिया। बीजिंग में हुए इस भाषण के मायने चीन और ताइवान दोनों अलग-अलग देश निकाले गए।
विलियम लाई वैसे भी चीन विरोध के लिए विख्यात हैं। विलियम लाई की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ताइवान की अलग पहचान का समर्थन करती है और चीन के क्षेत्रीय दावों को खारिज करती है। यही वजह है कि चीन ने चुनाव से पहले ही लाई चिंग को अलगाववादी घोषित कर दिया था। चीन ने कथित तौर पर ताइवान की जनता को धमकी देते हुए कहा था कि अगर वो सैन्य संघर्ष से बचना चाहते हैं तो उन्हें लाई की बजाय सही विकल्प को चुनना होगा। लेकिन ताइवान के लोगों ने विलियम लाई चिंग ते को देश की कमान सौंप कर ड्रैगन की गीदड़ भुड़की की धज्जियां उड़ा दी। ताइवान का बच्चा बच्चा चीन को हकारत भरी नजरों से देखता है। जमीन खोर ड्रैगन से नफरत करने वाली ताइवान की जनता को राष्ट्रपति बनते ही विलियम लाई ने आजाद रखने की कसम भी दोहरा दी थी। ताइवान के प्रेसिडेंट के इसी बयान के बाद बीजिंग में हड़कंप मच गया। चीनी प्रोपेगेंडा प्रसारित करने वाले ग्लोबल टाइम्स ने सबसे पहले विलियम लाई पर हमले शुरू कर दिए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने विलियम लाई को घमंडी और लापरवाह लीडर बताया। वहीं चीन के सरकारी टीवी चैनल ने विलियम लाई को इतिहास एक शर्म के खंभे पर टांगने की धमकी दी। चीन के सरकारी चैनल ने लाई के वी राष्ट्र सिद्धांत के समर्थन करने पर कड़ी निंदा की। असल में चीन की लाख कोशिशों के बाद भी ताइवान में उसकी चल नहीं रही। लगातार तीन बार से चीन विरोधी हुकूमत बनने से शी जिनपिंग बौखलाए हुए हैं। शी जिनपिंग ने ताइवान को चीन में शामिल करने के लिए युद्ध तक जाने की धमकी दे रखी है। ताइवान को हड़पने की तैयारी करने वाले जिनपिंग ने कई बार इसकी कोशिश भी की है। रूस यूक्रेन युद्ध भड़कने के बाद भी चीन ने ताइवान पर चढ़ाई की तस्वीरें दुनिया को दिखाई थी, लेकिन तब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग घरेलू फ्रंट पर फंसे हुए थे। वो मामला अब क्लियर हो चुका है। इधर ताइवान के नए राष्ट्रपति ने शपथ ली है। नए राष्ट्रपति चीन के धुर विरोधी रहे हैं, लिहाजा चीन फिर आंखें लाल कर रहा है। चीन के फाइटर जेट फिर से हवा में कलाबाजियां दिखाने लगे हैं। युद्धपोत फिर से ताइवान की खाड़ी को दहलाने लगे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी बस बीजिंग से राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ऑर्डर आने का इंतजार कर रही है। उधर ताइवान में मौजूद अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज हाई अलर्ट पर हैं। इतना ही नहीं, ताइवान ने भी बचाव के लिए तटों के पास अपनी सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल HF-3 तैनात कर दी है। अपने कोस्ट गार्ड को समंदर में चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयार कर दिया है। इसके अलावा ताइवान की सेना ने HF-3 एंटीशिप मिसाइलों को तटों के पास तैनात कर दिया है। ये खास तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के जहाजों, मिसाइलों, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर को आसमान में ही मार गिरा सकते हैं। ताइवान ने स्ट्रेटजिक पोजीशंस पर HF-3 सुपरसोनिक मिसाइलों को तैनात किया है। इन्हें ब्रेव विंड 3 भी बुलाते हैं। ये मीडियम रेंज की सुपरसोनिक मिसाइल है। खास तौर से जमीन और पानी पर चल रहे टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए ताइवान इनका इस्तेमाल करता है। अब तक ताइवान ने करीब 250 से ज्यादा मिसाइलें बनाई हैं। एक मिसाइल का वजन 1400 से 1500 किलोग्राम होता है। 20 फीट लंबी मिसाइल का व्यास 18 इंच होता है। इसमें 225 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जाता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। ताइवान के पास ऐसे कई हथियार हैं जिसके बूते वो चीन से टकराने का जोखिम मोल ले सकता है। हालांकि अकेले ताइवान इस युद्ध में कितने दिन टिकेगा ये कहना मुश्किल है। ताइवान के हक में अब तक सिर्फ एक बात है, वो ये कि चीन ने अब तक बार बार समुद्र में मीडियन लाइन को पार किया है। मीडियन लाइन चीन और ताइवान के तट से करीब 50 नॉटिकल माइल्स पर है। इसे दोनों देशों के बीच सरहद माना जाता है, लेकिन चीन ने अब तक ताइवान के 24 मील की लाइन को नहीं लांघा है। अगर ड्रैगन फोर्स ने इस रेंज में घुसपैठ की तो यह सीधे युद्ध का ऐलान होगा। शी जिनपिंग जिस कदर विलियम लाई से खफा है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि चीन बारूदी फैसले लेने में ज्यादा वक्त नहीं लेगा। ऐसे में अमेरिका नए फ्रंट पर मोर्चा संभालने के लिए कितना तैयार है ये देखने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन रूस युद्ध के फ्रंट पर आग से खेल कर बुरा फंसा हुआ है। साथ ही मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास युद्ध में भी अमेरिका उलझा हुआ है। ऐसे में अगर
एशिया में एटमी युद्ध का मोर्चा खोला तो सुपर पावर की मुश्किलें बढ़नी तय है। गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में प्रेसिडेंट पुतिन ने चीन यात्रा की थी। पुतिन की यात्रा के बाद से चीन ने ताइवान फ्रंट खोल दिया है। माना यह भी जा रहा है कि सुपर पावर के खिलाफ रूस और चीन ज्वाइंट फोर्स की तरह एक्शन लेने का प्लान बना चुके हैं। जाहिर है महाशक्तियों में टकराव हुआ तो सारी लिमिट क्रॉस होगी, हर हथियार चलेंगे और महायुद्ध का खात्मा परमाणु हथियारों से होगा।